बचपन की दिवाली मतलब ये होता था कि सोचते थे कि बोरी भर पटाखा मिल जाए जलाने को, और दिवाली से 5-7 दिन पहले हाथ में बारूद भरा रहता था, लगा रहता था सफेद 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 सफेद, उसके बाद पटाखे से निकला हुआ बारूद तो हर आदमी बना के फिर से जलाता था। एक बार हमारा हाथ भी जल गया था उस चक्कर में, स्कूल भर में दिन भर तब किसी ने कह दिया था कि वो इंक आती थी ना, इंक लगा लो उंगली में तो उससे बच जाता, तो इंक लगा के दिन भर घूम रहे थे हम। यार बचपन की दिवाली मेरी बड़ी शानदार होती थी, क्योंकि जिस इलाके से मैं आता हूँ इलाहाबाद से, उसके इलाहाबाद से ही सटा हुआ एक उपनगर है, वहाँ पटाखे बहुत बनते थे, तो बोरी भर के पटाखे आते थे। और अक्सर ये होता था कि मेरे चाचा हैं चच्चू कहते थे, दिवाली पर वो देश के किसी भी हिस्से में रहें वो दिवाली पर जरूर आते थे, तो हम लोगों को उनका इंतजार होता था कि चच्चू आएंगे तो पटाखा लाएंगे। तो मऊआइमा जगह का नाम है, तो मऊआइमा के पटाखे आते थे पूरा बोरा भर भर के, और हम पूरा जम के जलाते थे, पटाखे जलाते थे, दिए करते थे, मिठाइयाँ बांटते खाते, मतलब वो दिवाली ऐसी होती थी ना कि तो मजा आ जाता था पूरा, मतलब ऐसी दिवाली तो जमाना हुआ मनाए हुए कि हम खेतों में दिए जलाने जाते थे, पेड़ों पे दिए जलाने जाते थे, मंदिरों पे दिए जलाने जाते थे, कुओं पे दिए जलाने जाते थे, हमको ये लगता था कि इससे संपन्नता आएगी, तो वो दिवाली तो जबरदस्त दिवाली होती थी। दिवाली में यूजुअली घर पर सुबह सुबह रंगोली बनाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और डेकोरेशन करते हैं, तो हमेशा से मेरी दिवाली बहुत एक्साइटिंग रही है क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं, अच्छा अच्छा कुछ डिफरेंट खाते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम अराउंड दिवाली। देखिए बचपन में दिवाली का हमेशा से इंतजार रहता था दो वजहों से, एक वजह ये कि हम दिए जलाएंगे, दूसरा जो सबसे बड़ा वजह होती थी वो होती थी कि पटाखों की, ये होता था तब इतना बैन नहीं थे पटाखों पे, और हमें लगता था कि शाम में हमारे लिए भी ढेर सारे पटाखे आएंगे, फुलझड़ियाँ आएंगी और हम पटाखे घर के बाहर अपने मोहल्ले में छुड़ाएंगे, जाहिर है पटाखों का क्रेज़ ज़्यादा होता था। इस दिवाली तो बहुत सारे प्लान हैं, दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे और बच्चों के साथ, अब पहले हम बच्चे थे अब अपने बच्चों के साथ हम दिवाली मनाते हैं। नहीं जब से गांव छूटा जब से शहर आए तब से दिवाली के प्रोग्राम तो बनते ही नहीं है, खासकर इस पेशे में जहां हम हैं, इस पेशे में तो अभी चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, तमाम शोज चल रहे हैं, तो बहुत संभव है कि अगर वीक ऑफ नहीं हुआ तो दफ्तर में रहूंगा, खबरें लिखूंगा चुनावों की, अपने साथियों को जो साथ में रहेंगे उनको दिवाली की शुभकामनाएं दूंगा, और जब खत्म होगी ड्यूटी आवर जब खत्म होंगे तो घर जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, पड़ोसियों से मिठाइयां लूंगा, उनको मिठाइयां दूंगा, हो गई दिवाली। पटाखे जला नहीं सकते हैं तो बस यहाँ की दिवाली तो बस सन्नाटे वाली, हमेशा से जब शहर की दिवाली हुई तो सन्नाटे वाली हुई, तब मऊआइमा के पटाखे और चच्चू दोनों याद आते हैं। अब चेकी कई साल से लगातार बैन है पटाखों पे, तो वो शौक तो जाता रहा, उसकी गुंजाइश भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, तो कोशिश ये होती है कि जो नॉन पॉल्यूटेड और फुलझड़ियाँ हैं वो छुड़ा ली जाएँ। मेन अट्रैक्शन सजावट का होता है घर की सजावट और दिए सजाना और रोशनी करना, उसको देख के अच्छा लगता है और मज़ा आता है। बहुत मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फ़र्क है बचपन की दिवाली में और अब की दिवाली में, क्योंकि मैं अभी मैंने यहाँ पर ज्वाइन कराया है, और बचपन की दिवाली हम देखें तो तब हम फ्री, मतलब कितने बजे भी उठ रहे हैं, आराम से मज़े कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं थी किसी चीज़ की। और अब मेरी दिवाली इस बार ऑफिस में होने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच है तो यहाँ पर हमें होना होगा, तो फैमिली है घर पर और हमें ऑफिस में काम करना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। नहीं गुस्सा तो नहीं, क्योंकि अभी मतलब मैं काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आई एम द लकी वन की दिवाली वाले दिन भी काम करना है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मेरा ब्रदर ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो भाई 6-7 साल बाद आज मतलब 6-7 साल के बाद इस बार होगा दिवाली पर घर पर, और मैं उसके साथ नहीं हो पाऊँगी, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है कि भाई है, सब फैमिली साथ होती है, पर मैं यहाँ पर हूँ। गिफ्ट्स यार हमें गिफ्ट्स नहीं मिलते, मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा कुछ स्पेशल गिफ्ट ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस खाने पीने को आ जाता है, चॉकलेट्स आ जाती है, मिठाइयाँ आ जाती है, तो वो ही खा लेते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल गिफ्ट्स तो नहीं मिलते। देखिए इस दिवाली पे अव्वल सबसे पहली चीज़ ये है कि उन लोगों को मिठाई पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो लोग दिवाली नहीं मना पाते किसी वजह से, अपनी गरीबी की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से, तो लोग एक दूसरे को तो गिफ्ट बांटते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे इस बार कि उन लोगों को मिठाई और खाने पीने का सामान मुहैया कराया जाए जो रोड साइड रहते हैं, जो अपनी दिवाली नहीं मना पाते आम लोगों की तरह,
तो उन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और बाकी घर के सजावट और वो तो चीज़ें होती हैं दिए जलाने का। देखिए संदेश सबसे बड़ा यही कि जैसा कि हम आज की तारीख में देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम पटाखों की कोशिश करें कि पटाखे ना जलाएं, पटाखे ना, चूँकि एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पटाखे बहुत ज़्यादा खरीदे गए हैं बाज़ार में, ये सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें कि कम से कम ये जो धुआँ है जिससे आप बाहर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसमें और बढ़ावा ना हो। आप दिए जलाइए, आप रोशनी करिए, मिठाइयाँ बांटिए, खुशियाँ मनाइए, नाचिए गाइए सब करिए, पटाखों से थोड़ा सा दूर रहिए, आपकी ज़िंदगी बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल रखिए।